नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजर चैनल में। आज हम एक नए विषय के साथ शुरुआत कर रहे हैं अपने वीडियो की, जिसमें हम जानेंगे कि 5 जून 2020 को ऐसा कौन सा खास योग बन रहा है जिसके कारण इस दिन शुक्र को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयोग किए जा सकते हैं। शुक्र ग्रह का जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि जीवन में विलासिता, प्रेम, मनोरंजन आदि के लिए यही ग्रह सर्वाधिक जिम्मेदार होता है। जिन जातक के कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ और शक्तिशाली होता है, उनके जीवन को देख के लोग उनके जैसा जीवन जीने की ख्वाहिश करने लगते हैं, और जिनके कुंडली में ये ग्रह कमजोर हो या फिर शत्रु राशि का हो तो उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय हो जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे आने वाले विशेष दिन के बारे में, जबकि शुक्र को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयोग किया जा सकता है। 5 जून 2020, जी हाँ, ये दिन बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन 3 संयोग ऐसे बन रहे हैं जिससे इस दिन का विशेष लाभ उठाया जा सकता है। आइए जानते हैं क्यों खास है 5 जून 2020। इस दिन शुक्रवार है, जो कि शुक्र ग्रह का दिन है, और साथ ही माता लक्ष्मी का भी दिन है। इसी दिन पूर्णिमा भी है, जिससे चंद्र का बल पूरा रहेगा। और तीसरा, इस दिन सर्वार सिद्धि योग भी बन रहा है। अतः ये तीनों बातें इस दिन को खास बना रहे हैं, जिससे इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने और साथ ही कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए भी बहुत अच्छे प्रयोग किए जा सकते हैं। आइए पहले जानते हैं कि शुक्र अगर कमजोर हो कुंडली में तो जातक को क्या क्या परेशानी आ सकती है। इसके कारण व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ सकती है। कमजोर शुक्र ग्रह के कारण व्यक्ति को प्रेम जीवन में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को प्रेम विवाह भी सफल नहीं हो पाता है, या फिर इन्हें प्रेम में धोखा भी खाना पड़ सकता है। विपरीत लिंग को आकर्षित करने में भी ऐसे लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं। शरीर में तेज की कमी रह सकती है। जिनकी कुंडली में खराब शुक्र हो, उनको गुप्त रोग भी परेशान कर सकता है। ऐसे लोग खुशी प्राप्त करने के लिए बहुत भटकते हैं, परंतु चुनौतियां इन्हें परेशान करती रहती हैं। अतः कमजोर शुक्र जातक को अनेक प्रकार के परेशानियों में धकेल देता है, जिसके कारण अवसाद भी घेर लेता है और असफलता को व्यक्ति खुद ही आकर्षित करने लगता है। अतः यह जरूरी है कि शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए विशेष उपाय किए जाएं ज्योतिष से कुंडली दिखवा के। आइए अब ये देखते हैं कि कुंडली में मजबूत शुक्र जातक को क्या क्या दे सकता है। कुंडली में अगर शुक्र मजबूत हो तो ऐसे लोगों के पास अनायास ही सुख सुविधाएं आने लगती है। विपरीत लिंग ऐसे लोगों से आसानी से आकर्षित होते हैं, जिससे इनकी दोस्ती भी खूब होती है। दूसरे लोग इनसे इनके इस खास गुण के कारण ईर्ष्या भी करने लगते हैं। ऐसे लोग किसी को भी खुश करने का हुनर रखते हैं। मजबूत शुक्र व्यक्ति को भोग विलास के साथ जीवन जीने में मदद करता है। ऐसे लोग जिस सुख की कामना करते हैं, वो इनकी तरफ आने लगता है। ऐसे लोग दोस्तों के साथ खूब खुश रहते हैं, और साथ ही दोस्त भी इनके साथ समय का आनंद लेते हैं। विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, और कुंडली में मजबूत शुक्र के कारण ऐसे लोगों को धन कमाने के अवसर भी खूब मिलते हैं, और ऐसे लोग अपने जीवन में कमाए हुए धन का भरपूर इस्तेमाल ऐशो आराम से जीने के लिए करते हैं। अतः यह जरूरी है कि अगर भौतिक जीवन का आनंद लेना हो, लव लाइफ का आनंद लेना हो, समाज में एक अलग पहचान बनानी हो, तो कुंडली में शुक्र को मजबूत किया जाए, अगर संभव हो तो। वैदिक ज्योतिष अनुसार जब शुक्र महादशा में या फिर अंतरदशा में आएगा, तब यह निश्चित है कि व्यक्ति को जीवन में सबसे ज़्यादा बदलाव महसूस होंगे। अगर कुंडली में शुक्र शुभ है तो इसके महादशा या अंतरदशा में जातक को खूब ऐशो आराम मिलेगा, दोस्त बढ़ेंगे, विवाह होगा, घूमने के मौके मिलेंगे आदि। वहीं अगर शुक्र खराब हो जन्म पत्रिका में, तो महादशा या अंतरदशा में जातक को प्रेम जीवन में ब्रेकअप का सामना करना पड़ सकता है, या फिर गलतफहमी बढ़ सकती है, कई लोगों के संबंध टूट सकते हैं, कई लोग रोगों से परेशान हो सकते हैं, दोस्त दूर हो सकते हैं, डिप्रेशन भी आने लग सकता है। तो शुक्र के उपाय जरूर करने चाहिए।
अगर कुंडली में शुक्र खराब हो या फिर कमजोर हो। आइए अब जानते हैं 5 जून 2020 शुक्रवार को क्या क्या कर सकते हैं जीवन को सफल बनाने के लिए। अगर किसी को हीरा पहनने के लिए बोला गया है तो इस दिन हीरा खरीदना शुभ रहेगा और इसे धारण करना भी बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि इस दिन शुक्रवार भी है, पूर्णिमा भी है और सर्वार सिद्धि योग भी है। अगर कोई धन के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो इस दिन से वैभव लक्ष्मी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन श्री यंत्र का अभिषेक करने से भी बहुत लाभ होगा। अगर कुंडली में शुक्र खराब हो या नीच का हो तो ऐसे में इस दिन शुक्र शांति पूजा कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अगर किसी को शुक्र से संबंधित दान के लिए बोला गया हो तो इस दिन जरूर करें, पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप किसी को जीवन साथी के रूप में अपनाना चाहते हैं तो इसी दिन प्रपोज करें। जीवन में प्रेम को बढ़ाने के लिए इस दिन आप अपने साथी को कोई सुंदर सा उपहार भी दे सकते हैं। अतः 5 जून शुक्रवार को सर्वार सिद्धि योग में हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अनेक प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत जानकारी मिली होगी, तो प्रयोग करें और अपने जीवन को बनाएं बेहतर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।